अब थैंक कौन यू यू नो लेट मी सी हु इज द बेनिफिट ऑफ डाउट, कि यार। जिनका कैमरा भी ओपन है और जिन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। यस प्लीज टीना सुधार टीना 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 आई एन ए टीना आई एन ए ईना सुथार जी, क्या उनका कैमरा ऑन है? आपका हाथ रेस करिए, हैंड रेस करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए यस नो, क्या आपने सब्सक्राइब किया और क्या आपका हाँ जेन्यून सर, क्वेश्चन हाँ है सर, कुछ? हाँ सर, मेरा पर्सनल ओके, तो बताइए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज आपको दिक्कत दे रहा है वो बताइए। मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, उसमें एस्ट्रोलॉजी को मैंने मेरा जीवन का गोल बनाया है, तो मैं मेरे पति उसमें दिक्कत दे रहे हैं, वो ना बोल रहे हैं कि नहीं करना है, तो मैं अपने पैर पे खड़े होने चाहती हूँ, लोगों की सेवा भी करनी चाहती हूँ एस्ट्रोलॉजी में, क्या मैं सफल होऊंगी? क्या आप एस्ट्रोलॉजी में सफल होंगे? चलो देखते हैं आपका चार्ट, मुझे बताइए। 1 to 249 नंबर में मुझे एक नंबर दीजिए, 1 to 249 इंक्लूडिंग एक नंबर दीजिए मुझे। आपको सोचना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करना है, फोर 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 नंबर, ठीक है? इनको कंसल्टेंट बनना है, क्या वो कंसल्टेंट बन पाएंगे, एस्ट्रोलॉजी में काम कर पाएंगे? ठीक है, ओके। सो इन्होंने फोर नंबर दिया है हमको, लेट अस टेक फोर नंबर। कैन एवरीवन सी द चार्ट? कैन एवरीवन सी द चार्ट? सबको चार्ट दिख रहा है? ओके, यस दिख रहा है। तो इनको अगर कंसल्टेंट बनना है तो लिखिए यहाँ पे कौन सा हाउस मुझे दिखना चाहिए। चलो, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंट बनना है। याद रखिए क्वेश्चन के वर्ड्स को, इनको कंसल्टेंट बनना है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की बात नहीं हो रही है। कम ऑन, लेट मी सी हु इज राइटिंग। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। यस, आंसर इज कमिंग, आंसर इज कमिंग। चंद्रकांत चंद्रभान जी ने बताया है 5000 9000, वेरी राइटली रिटेन सर, वेरी राइटली। उनका 5000 9000 उनका है ना, उनका चार्ट बताना चाहिए, तो वो अगर एस्ट्रोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको कंसल्टेशन करना है तो 5000 9000 उनका, बिकॉज 5000 इज हाउस फॉर काउंसिलिंग, यू नो काउंसिलिंग, 5000 और 9000 जो है ये काउंसिलिंग के घर है, ठीक है? तो लेट अस सी, तो हमको ये देखना है कि फर्स्ट हाउस, यू नो, क्योंकि उनको कंसल्टेंट बनना है तो फर्स्ट हाउस, क्या फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है मून, फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है मून, क्या कहीं वो हमको 5 और 9 बता रहा है? लेट अस सी मून, आपको दिख रहा है कि वो 5 बता रहा है? यस, आंसर इज यस और नो, आंसर इज यस। और मून का जो यस सब स्टार लॉर्ड है वो है राहु, लेट अस सी राहु। तो आपको दिख रहा है कि स्टार लॉर्ड, यानी आंसर तो यस है, लेकिन राहु जो है ना कहीं वो 8th हाउस और 12th हाउस दिखा रहा है, कि जो दिक्कत आप बोल रहे हैं है ना कहीं आपके हस्बैंड राहु बन रहे हैं आपके ऊपर है ना, और 8th हाउस 12th हाउस देने की हाँ दिक्कत दे रहे हैं। तो आपका हाँ आंसर सर, क्या है कि यस दिक्कत है लेकिन रेमेडी, आपको बनना है रेमेडी? हाँ रेमेडी इज सर, व्हाट? कम हाँ ऑन, हु विल टेल रेमेडी, मी द रेमेडी? 5th हाउस की रेमेडी क्या है बताइए। आपको आपके हस्बैंड को फॉरगिव करना है और उनको लव करना है, ये उसकी रेमेडी है, एज सिंपल एज दैट। हम मंत्र में जो है ना, पूजा में और जेमस्टोन हमारे कंसल्टेशंस में नहीं आते हैं, ना ही हमारे पढ़ाई में आते हैं। हमारे जो लॉजिक, जो जितने भी रेमेडीज होते हैं वो लॉजिकल प्रैक्टिकल रेमेडीज होती हैं। तो इनको अपने हस्बैंड को फॉरगिव करना है, तो आपको क्या बोलना है रोज है ना, जब भी आप प्रार्थना करेंगे आपको ये बोलना है कि उनका नाम लेके आपके हस्बैंड का, ऑफ कोर्स आप अगर यू नो बाहर नहीं उच्चार कर सकते हैं, माइंड में उनको याद करिए कि प्लीज फॉरगिव मी एंड लेट मी मूव अहेड इन माय लाइफ। सिर्फ इतना सा बोलना है रेगुलर, ये आपके लिए मंत्र है।
कि मुझे है ना आपके पति का नाम लेके उनको बोलिए कि प्लीज फॉरगिव मी, कहीं ना कहीं मैंने आपके यू नो इस जन्म में या अगले जन्म में आपकी बाधा बना हूं, यू नो आप उनकी बाधा कहीं बने होंगे उनके प्रोग्रेस में, इसीलिए तो आपके यू नो आपके जो अगले जन्म के सबसे बड़े दुश्मन थे वो आपके हस्बैंड या वाइफ बन के इस जन्म में आते हैं, आप समझ रहे हैं? Right, तो अब वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, तो अभी आप उनको माफ कर दीजिए और उनके बारे में ये मंत्र चांट करिए कि प्लीज फॉरगिव मी एंड लेट मी मूव अहेड इन लाइफ, दिस इज योर आंसर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अब इतना करिए, फिर मुझे 15 दिन 1 महीने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा कि क्या कुछ उसमें आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। ओके सर, ओके। चलो अभी और किसका बारी है, और किसी का बारी है, बिफोर यू नो मैं आपको कोर्स कंटेंट बताऊं, किसने यू नो जिनका कैमरा ऑन है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और उनका जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन, अगर आप फेक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे तो 9 planets आपको जवाब नहीं देंगे, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, यूनिवर्स एंड द 9 planets गिव यू द आंसर, सो प्लीज टेक केयर। माय कैमरा इज ऑन, हीना जी का तो हो गया, अब बताइए कौन है? चलो यहाँ पे मुझे हाथ प्रेस करिए जिनका कैमरा ऑन है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन ले लूँ डायरेक्ट, क्योंकि चैट बॉक्स में काफी चैट है, तो यू नो टू सर्च देयर विल टेक टाइम। ओके, सुदाशा जी और पवन कुमार जी ने हाथ रेस किया, ठीक है चलो, तो सुदाशा जी बताइए आपका क्वेश्चन अनम्यूट करके कि क्या जेन्युइन क्वेश्चन क्या है आपका, अभी जो आपको एकदम दिक्कत दे रहा है बताइए। सर मैं एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे बच्चे हाँ। की बेटे की शादी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूँ सर, सेटल नहीं हो रहा है वो। आपके बच्चे के शादी के बारे में चिंता कर रहे हैं, ठीक है, पहले मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए कि आपका बच्चा क्या करता है। वो इंजीनियर सुधा जी, आपका बच्चा क्या करता है, व्हाट डज ही डू? हाँ, नाउ ही इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपका आवाज नहीं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर है। क्या एज हो गई है उनकी? नाउ 35 रनिंग है सर, 35 रनिंग है, 35 रनिंग है। तो क्या वो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं मैरिज करना और नहीं हो रहा है, कि आप चाहते हैं और वो नहीं चाहता है, क्या है सिचुएशन? क्या प्रपोजल ही नहीं आ रहा सर, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, प्रपोजल नहीं आ रहा है, ठीक है फिर हम देखते हैं। चलो मुझे 1 to 249 में एक नंबर दीजिए बिना कोई कैलकुलेशन के। 101 101, ओके। तो मैरिज प्रपोजल नॉट कमिंग, ओके 101 है ना, आप पूछ रहे हो फीमेल हैं और होरारी चार्ट में आपका क्वेश्चन का नंबर है 101, लेट मी सी 101, ठीक है ये रहा आपका चार्ट 101। तो अब क्योंकि अभी आपने आपके चाइल्ड के मैरिज के बारे में बताया है, तो आई हैव टू रोटेट दिस चार्ट, आई हैव टू रोटेट दिस चार्ट, ओके फर्स्ट टू द फिफ्थ हाउस, बिकॉज दैट इज नाउ गोइंग टू बी माय फर्स्ट हाउस, और अब मुझे उसके मैरिज के बारे में देखना है, ठीक है। तो लेट मी सी उसके मैरिज के बारे में कि ये रहा केतु, ओके और केतु क्या बता रहा है, लेट अस सी केतु क्या बता रहा है, 10, 12 and 7, तो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए यस तो आंसर आ रहा है, क्योंकि 7 number जो मैरिज का हाउस है वो केतु दे रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है, 4, 10, 5, 12, ओके तो 12 कहीं ना कहीं उसके माइंड में अब्रॉड जाने की बातें हैं क्या? यस सर, वो जाने की बहुत ट्राई भी कर रहा सर, वो न्यूजीलैंड पढ़ के आया है पर भी वापस जा नहीं पा रहा कहीं भी, उसको कनाडा वगैरह जाना है पर नहीं जा पा रहा सर, जा पा रहा है और उसको दिक्कत आ रही है। लेट मी सी एथ हाउस इज द हाउस दैट गिव प्रॉब्लम्स, दैट इज जुपिटर, एंड जुपिटर इज शोइंग अगेन 12th हाउस, जुपिटर इज शोइंग 12th हाउस एंड इट्स स्टार लॉर्ड इज वीनस,
एंड वीनस इज टोइंग 6, 10, 11. बेसिकली वो उनका करियर ओरिएंटेशन पे ज्यादा फोकस है, मैरिज पे है आपके प्रेशर के कारण, पर हकीकत में उनका जो फोकस है पूरा उनका खुद का माइंडसेट, ये पूरे के पूरा फॉरेन सेटलमेंट और अपने करियर को लेके है, मैरिज को लेके कहीं ना कहीं नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग. आप पूछिए उनको और बताइए मुझे. जस्ट पूछते सर, एक सर बहुत ज्यादा है सर, करियर ओरिएंटेड तो बहुत ज्यादा है, तो उसको लड़की ऐसी चाहिए जो उसके साथ जाए वहां पे. तो मनन बोला है, मनन जाए वहां पे. मैं आपको बता दूं कि जो लोग ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, है ना, सुन लीजिए अभी बात मेरी सुन लीजिए, जो लोग ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं है ना, तो उनके मैरिज में दिक्कतें मैरिज होने के बाद या तो आती है या मैरिज होने से पहले भी आती है. क्यों आती है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक मिनट, जो मैरिज के घर है, मुझे ये पूरा रब आउट करने दीजिए सबके बेनिफिट के लिए. मैरिज का घर ये है और मैरिज ना होने का घर ये है, और यही घर जो है ये करियर का घर है. तो आप क्या करेंगे बताइए, आप समझ रहे हैं? तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड में, अपने माइंड सेट में है ना, अगर वो करियर को लेके अभी थोड़ा अपने आप को कम कर दे, क्योंकि उनका जॉब तो लगा हुआ है, जो काम है उनका वो चल रहा है, तो अगर माइंडसेट उनका वो थोड़ा है ना कि मैरिज की तरफ करे, यानी कि सेवेंथ हाउस की तरफ अगर वो सोचना रेगुलर शुरू करे, तो चांसेस है हो जाएगा, क्योंकि आंसर ऑलरेडी यस आ रहा है यहाँ पे. बट बिकॉज हिज टोटल अटेंशन इज ऑन सिक्स्थ हाउस, दैट इज हिज फोकस इज ऑन मोर ऑफ यू नो हिज ओन वर्क, दैट इज द रीजन कि वो कहीं ना कहीं आप सेवेंथ हाउस नहीं एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस है ये हाउस ऑफ डाइवोर्स है, ये हाउस ऑफ सेपरेशन है. तो आप मुझे बताइए कि कैसे आपको फिर है ना कहीं से कोई बुला ये आएगा, कब कोई भी प्रपोजल. आप समझ रहे हैं बात को? मोस्ट ऑफ लड़कियां मना कर देती है, सर दिखने में सब तरह से सही है, एजुकेशन अच्छा है, इंजीनियर है, सब कुछ सही है. हाँ. पता ही लड़कियां हाँ क्यों नहीं बोल रही सर. See, there can be also other issues which at present I cannot reveal. Okay. Okay. But at present, you know, एक simple चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि mindset को थोड़ा you know marriage के लिए तैयार करना होगा, feelings लाने होंगे आपको, क्योंकि अगर पूरा आपका goal और mindset अगर you know career पे है, तो कहीं ना कहीं आप उन houses को ज़्यादा activate कर रहे हैं जो आपके marriage के लिए negative है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए.